गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैथ गुरु लर्निंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10 का मैथ्स चैप्टर 1 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि सवाल में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी आपको एक सीएफ बनाना है और वो यूक्लिड एल्गोरिथम से होना चाहिए। जैसे कि सवाल नंबर एक में 135 और 225 है, क्वेश्चन नंबर टू में 196 और 38,220 है, और क्वेश्चन नंबर थ्री में 867 और 255 है। तो ये सवाल को हम लोग किस तरीके से हल करेंगे या आज के टॉपिक में हम लोग सीखेंगे। तो इसको हल करने के लिए हम लोग एक लाइन पहले खींच देंगे, एक रफ एरिया और एक आपका फाइनल एरिया। तो यहां पर हम लोग इसका सॉल्यूशन को लिखेंगे, यहां पर इसको हम लोग रफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड मेथड से इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो जैसे ही सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एक चीज पे ध्यान रखना है, छोटा वाला यहां होना चाहिए, बड़ा वाला यहां होना चाहिए। तो 135 को यहां पर 1 मिनट पढ़ेंगे, 135 यहां 9, फिर 90 से आपका जैसे जैसे शेषफल बचेंगे उसी से आपको फिर से आपको डिवाइड करना है। और यहां पर आपको कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए डिवाइड का एक मेथड होता है, जैसे कि ये होता है हम लोगों का भाजक, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल, कुछ इस प्रकार से होते हैं। तो आपको लिखना कैसे है वो आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको भाज्य बराबर लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल। तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो हम लोग का जो भाज्य है वो कितना है, 225 है। तो सबसे पहले हम लोग 225 को लिखेंगे, बराबर देंगे। भाजक कौन हुआ 135 इंटू देंगे, भागफल कौन हो गया 1 प्लस शेषफल कितना हुआ 90। ये कंडीशन तब तक चलेगा जब तक कि आपका पूरा ये शेषफल जीरो ना हो जाए। अब 90 से हम लोग किसको भाग लगाएंगे, 135 को। तो 90 यहां 45 आया। फिर आपको यहां लिखना है भाज्य, भाजक भाज्य कौन हुआ 135 और आपका भाजक कितना हुआ 90, भागफल हो गया 1 और शेषफल हो गया 45। इस तरह से आपको फॉर्मूला का यूज करते हुए इसको बनाना है। नेक्स्ट आपको 45 से लगाएंगे 90 को, तो 45 टू जा 90, देखिए यहां मिल गया, जीरो आ गया है। तो आपको लिखना होगा पहले भाज्य, भाज्य कितना है हम लोग का 90 है, भाजक कितना है 45 इंटू 2 और शेषफल हो गया 0। तो आंसर कितना हुआ, लो जानते हैं डिवाइड जो मेथड होते हैं उसमें एचसीएफ हमेशा इधर वाला होता है, यानी आपको आंसर यहां पर लिख देना है एचसीएफ इक्वल टू 45। तो आपका पहला का आंसर आ गया एचसीएफ 45। अब हम लोग दूसरा सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। इसको हम मिटा देते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे दूसरा सवाल है वो है 196 और 38,220। तो सबसे पहले इसको डाफ करेंगे हम लोग, 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। चलिए हम लोग तीन डिजिट तक लेंगे, 1 बार में पढ़ेंगे 196, यहां पर 2 लेंगे, क्या 9 बार में जा सकता है, बिल्कुल चला गया। अब 0 ले लेंगे, यहां 5 बार पढ़ सकते हैं, देखिए बिल्कुल मिल गया है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंपल उसी स्टेप को फॉलो करेंगे, 1
पहले इसको लिखेंगे 38,220 इक्वल टू 196 इनटू 195 प्लस रिमाइंडर कितना बचा जीरो, शेष पर जीरो हो गया, यानी आंसर कौन हो गया 196। तो आपको यहां पर आंसर लिखना है इस तरह से HCF इक्वल टू 196। तो ये सेकंड नंबर का आंसर हुआ, आप लोग चाहे तो इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, 867 और आपका 255। तो सबसे छोटा वाला को हम लोग इधर रखेंगे और डिवाइड करेंगे 867। तो कितना बार में जा सकता है ये, पहले ये आपको डिसाइड करना है, तीन बार में, थ्री बार में जा सकता है, इतना हुआ 102 बचा। फिर हम लोग यहां पर इसको लिख देंगे 867 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। इसको भी हम लोग 182 से लगाएंगे, तो कितना बार में जा सकता है, टू बार में, यहां 51 बचा। फिर आपको यहां पर लिख देना है 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। फिर 51 से हम लोग लगाएंगे, ये देखिए टू बार में चल जाएगा, बिल्कुल मिल गया है। तो 102 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस 0, तो इसका आंसर कितना आया 51। तो आपको यहां पर लिख देना है HCF इक्वल टू 51। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये मैथ समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही है, जय।